राम, रा और म, रा मतलब होती है लाइट, म मतलब विद इन, खुद से, खुद का, खुद में प्रकाश, लाइट विद इन, राम। आप सभी को राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम कहाँ पैदा हुए भैया? राजा दशरथ और कौशल्या मैया के घर। कहाँ? जगह अयोध्या। अयोध्या मतलब जहाँ कभी युद्ध ना हो, ना कभी हुआ हो, ना कभी होगा। तो राजा दशरथ और कौशल्या, कौशल्या का मतलब स्किल। सो राजा दशरथ और कौशल्या मैया के घर पैदा हुए अयोध्या में भगवान श्री राम। और वो तो खैर राम ही थे, 14 साल के वनवास में उन्हें भगवान श्री राम बना। ये कहानी तो आप सभी को पता है। अब मैं आपको इसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल वे भी बताता हूँ। सिर्फ ये कहानी नहीं है रामायण, इसका पर्पस सॉल्व करने का, पर्पस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आपकी आत्मा राम, आपका माइंड सीता, आपकी अवेयरनेस जागरूकता लक्ष्मण, आपकी स्ट्रेंथ आपकी पावर हनुमान, और पांचवी सबसे नेगेटिव चीज ईगो, ईगो है आपका रावण। ईगो को माइंड लेके चले गया, मतलब मैया सीता को रावण जी लेके चले जाते हैं। विद अवेयरनेस ऑफ लक्ष्मण एंड स्ट्रेंथ ऑफ हनुमान जी, पावर ऑफ हनुमान जी, राम जी को अपना माइंड यूनाइटेड मिल जाता है, सीता जी वापस मिल जाता है, और वहां से ईगो खत्म हो जाता है। यही तो जीवन, आप समझ रहे? तो रामायण, राम, सीता, मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये सब हमारे दिनचर्या के हिस्से हैं। ये कोई फिलोसोफिकल, ये सब कोई कहानी नहीं, इसका स्पिरिचुअल फिलोसोफिकल बहुत बड़ा मायने रखता है। आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और जितना मैं अपनी लाइफ में भगवान श्री राम और रामायण से सीखा हूं, उतना कहीं से नहीं सीखा हूं। और अभी, और आपको शायद अपने बचपन में रामायण दूरदर्शन में देखी जरूर होगी, और नहीं भी देखी तो कोरोना काल में रिसेंटली एक सवा साल पहले हमारे यहाँ दूरदर्शन पे रामायण का फिर से प्रसारण हुआ था। तो मैं आपको बोलता हूँ, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करना है तो अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, और अपने अपने देश की विरासतों को भूले ना, उनकी उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें, और उनके साथ डटे रहकर आगे बढ़े। जय श्री राम।